एक मिनट क्या, कर, क्या, कर, क्या, कर, क्या कर रहे हो तुम क्या कर रहे हो तुम प्रदीन क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो बैठो आराम से बैठो बिल्कुल अच्छा हेलो 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 एक्सक्यूज मी एक सेकेंड जैन बैठो बैठो लेसन इधरा इधर दिस इज रॉन्ग दिस इज रॉन्ग अगर आप लोग ये सब करेंगे तो मैं शो नहीं कर सकता मैं जेनवनली बता रहा हूँ नहीं आप छोटी बात नहीं करें अब आप बैठे मैं बोल रहा हूँ मैं, मैं बोल रहा हूँ आप नहीं बोलेंगे बैठिए बैठिए मैं आपको बता रहा हूँ बैठे आप सिट डाउन आप बैठे यहाँ पे आपको मतलब आपको यू हैव नो रिस्पेक्ट फॉर पीपल इफ आई एम आस्किंग पीपुलट ज सेट देखो नहीं। मेरी बात सुनो सेट आराम से दिस इज रबेश एक टीम में होकर आप लोग ऐसे करोगे दिस इज रबेश और ये खेल है इसमें हार जीत होती है एंड एज फार एज देखो इधर सामने हेलो अंडरस्टैंड करो एक बात को खेल है ना खेल में हार जीत होती है इस पूरी टीम में आपको लगता है कि जैन एफर्ट नहीं देता होगा सब कर, नहीं नहीं एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड मैं जो सवाल कर रहा हूं उसका जवाब ना का जवाब है माइक दोस्त को

Hated that. I hated that. जो हमारे साथ नहीं है उसके बारे में कैसे बात कर सकते हैं तुम पे मैं ट्रस्ट कर रहा हूं तुमको बोल रहा हूं कर है। मैं जानता हूं, हूं समझो बात को मैं ये नहीं कह रहा कि तुम वर्क नहीं करते समझो मेरी बात को तो क्या लगता है आप में से किसी को भी यह लगता है कि मेरा सफर आसान है मैं कसम खाके कर सकता हूं जितनी मुश्किल जितनी मुखालफ मैंने सही है ना सर ये आप मुझे और गंदा कर रहे हैं लोग ये ये गलत समझेंगे बात तो हुई नहीं मैं कुछ और बोल रहा हूं। कुछ और बोल रहा रहा कुछ और और अंडरस्टैंड करो समझो ये गंदा -वंदा की लैंग्वेज मेरे साथ इस्तेमाल मत किया करो बिल्कुल भी इस्तेमाल करो पहले बात को सुन लेते ताकि समझ आ जाए एग्जैक्टली बोला क्या गया है मैं ये बोल रहा हूं कि आप लोगों को सबको मिलकर काम करना है हर आदमी ने एक दूसरे के साथ काम करना है खुदा का वास्ता अगर आपस में लड़ोगे तो आगे कैसे जाओगे यार ये तो डालो थोड़ा सा टॉलरेंस की आदत तो डालो ऑल ऑफ यू गाइज दिस इज फैमिली अगर कल ये शो ही नहीं हुआ तो फिर क्या करोगे दीज आर ऑल मेमोरीज ऑन गाइज दिस इज दिस इज अनकॉल्ड फॉर एक दूसरे के साथ आप लोग ये नहीं कर सकते वरना फिर फायदा क्या है किसी भी चीज का कोई फायदा नहीं यो you know, अचानक से यहां पर हम नेशनल टीवी पे हैं और एक दूसरे के दस्तों गिरपा हो रहे वी वांट टू प्रमोट लव वी वांट टू प्रमोट पीस हमारे मुल्क में और दुख कम है क्या कम ऑन नाउ गाइस सीरियसली और छोटे-छोटे बच्चे आपका शो देखते हैं पता है वो क्या लेंगे आपकी इस हरकत से क्या सीखेंगे छोटे बच्चे देखते हैं हमारा शो चलो कम ऑन नाउ कम ऑन

ठीक है इसने मुझे बोला तूने ये कर दिया तूने वो कर दिया तो सही से खेलता है नहीं, ये नहीं करता वो नहीं करता तू डसवा रहा है हमारी टीम को सर सब इक्वल है सब एक है यहाँ पर सही सबको हक है अपनी बात बोलने का सुनने का आ, आपके सामने उसने क्या बोला दो गेम जीत के अपने आपको क्या समझ रहे आपने उसको चुप कराया मुझे सामने से वाली भाई ने बोला मैं खामोश होके मैंने इसको एक लफ्स नहीं कहा मैं सीधा ओके बैठ गया ठीक है अभी गेम हुआ अब वाइब टीम की ख़राब हो गई है अब टीम की वाइब खराब हो गई अब शर्जील भी सही से प्ले नहीं करके आया जो वो एफर्ट देता वो नहीं दी क्यों माहौल खराब हो गया इसकी वजह से मैं इसको ब्लेम नहीं कर रहा लेकिन इसने मुझे जिस तरह बोला इस वजह से ठीक है सर ये आप बात समझें सेकेंड चीज़ जब वहाँ पर डंडे गिरे ना तो मैं आया तो शर्जील मेरे ऊपर चीखने लगा सही है एक बंदा पहले ही भरा हुआ है उसके ऊपर चीख रहे हो ठीक है आपको हक कौन देता है कि आप मेरे ऊपर चीखो बंदा कभी तो फटेगा ना अब उसने मुझे पुश करा जब ठीक है सर तो आप जाओ ठहर जाओ बोलने बात पूरी करना तो फिर बात ठीक है उसने मुझे पुश करा हल्का सा मुझे गुस्सा आ गया क्योंकि मैं पहले ही भरा हुआ था सर ठीक है अगर मैं मैं मानता तो हूँ मेरे अंदर बर्दाश्त करने की सलाहियत कम है लेकिन मैं जितनी कोशिश करता हूँ मैं कर रहा हूँ ठीक है सर ठीक है अगर मेरी टीम को मसला है मुझसे सर अगर कोई ऐसी चीज़ है तो मैं फिर कल से या अगले वीक से मैं डिसकन्टिन्यू कर दूँगा सो इट्स ओके ओके बोले सर मैं सबसे पहले ये क्लियर करूँ जब डांस की बारी हो रही है मतलब कि हम डिसाइड कर रहे थे कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा तो इससे मैंने पूछा तूने डांस करना है या मैं उसामा को भेजू मैं एक भी, भी गवा एक मिनट वेट बात हो चुकी है आपकी बात सुनी उन्होंने अब तो आप सुने इसने मुझे बोला कि जो तुझे ठीक लगे मिल करना है तो बताओ फिर इसने बोला मैं जा रहा हूँ यहाँ पे किसने बोला कि मैं जा रहा हूँ ये शो चल रहा है फरमाइशी प्रोग्राम नहीं चल रहा कि सफदर भाई इसके मतलब के गाने गाएंगे वो जो गाएंगे हमें उन पर डांस करना है समटाइम्स ऐसा होता है कि वो जो गाने गा रहे होते हैं उससे हमारी भी वाइब मैच नहीं करती अली भाई की भी नहीं मैच करती पर हम लोग करते हैं ये कॉम्पिटिशन है इसका मतलब ये नहीं है आप के पूरा स्टेज पे और ये सपोर्ट की बात कर रहा है कि सपोर्ट तो आपने भी देखा है क्लिप भी बड़ी हुई है जब तुम वहाँ डांस कर रहे थे ना तुम्हें यहाँ आके मैं स्टेप बता रहा था तो मैं बता रहा था तो तुमने ये कैसे बोला कि तुम मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे तो एक तो मिनट अब मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ फिर तुम यहाँ आए तो मैंने बोला जब तुम्हारा दिल नहीं था तो मैं उसामा को भेज देता क्योंकि कल तुम डांस कर चुके थे ठीक है ये भी क्लियर हो गया फिर उसके बाद वो वाली बात जो मैंने बोली वो इस वजह से बोली मैं वो गेम हार गया आया लास्ट वाले जो शामा के साथ खेला मुझे नहीं अच्छा लगा टीम अच्छी जा रही थी मेरी वैसे हारी मतलब पीछे हुए हम लीड से कम हुए मुझे अफसोस हुआ मैं आया यहाँ बैठा ये मुझे आगे से कहता है कि इसने बोला पूरी टीम ना वो बहुत डल हो गई थोड़े एक्टिव वो सारे तुम जब वहाँ पे बिल्कुल इनएक्टिव डांस परफॉर्मेंस करके आए तो तुम कैसे बोल सकते हो कि सब इनएक्टिव हैं तुम लोग सारे एक्टिव हो तो मैंने इस पे इसको बोला मैंने बोला दो गेम जीत के ना मुझे नहीं बोलो ठीक है ये बात मैंने इसलिए करी क्योंकि ये वहाँ पे जब कर गया अब आपको पता है कि मैं जब गेम खेलता हूँ तो मैं जीत के आता हूँ नहीं आता पर कुछ भी है मैं एफ़र्ट्स ज़रूर रख के आता हूँ कि ताकि पता लगे कि गेम खेल कर हूँ तो सबको पता है यहाँ पे मैं खुद नहीं बोल रहा अपने मुंह से सबको पता है यहाँ कौन कितने अच्छे गेम खेलता है कौन कितने ज़्यादा गेम खेलता है अगर आज तुम्हारा दिन है तुम दो गेम अगर जीत गए हो तो इसका मतलब यही नहीं है कि तुम आके मुझे बोलोगे कि मैं तो अपने दो गेम जीत के आया हूँ जिस गेम में मैं जाता हूँ ना तो ब्रो उस गेम में जाओ और वहाँ से किसी एक बंदे से जीत के आ जाओ चैलेंज आपके लिए अभी जब वहाँ से हवा गेम हुआ ये वाला तो बीच में आ गया तो मैं इनको बोल रहा हूँ कि हटो 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 उस चक्कर में हमारा मिस हो गया और इन्होंने आते ही धक्का दिया और मेरे यहाँ पे नाखून लगे और मुझे भी दर्द हो रहा है इन्होंने आते ही धक्का दिया फिर मैंने इनको पकड़ा रोकने के लिए मैंने इनको मारा नहीं है इन्होंने ये पूरा पकड़ा आप बेशक क्लिप निकलवा लें क्लिप निकलवा क्या बात क्या बना लो आप सारे क्लिप निकाल लें आपको पता चली जाशनल टी वी पर आके हाथ उठा रहे आप वैसे ही मुंह से बोल सकते हो और बोल रहे मैं किसी फिर मुझे अभी अभी जो इन्होंने डांस करा सर पर एक बात बोलूँ बाहर जाकर बोल रहे मैं आर्टिस्ट हूँ मैम मुझे जब वाइब नहीं आएगी मैं डांस नहीं करूंगा तो मैंने बोला कौन सा आर्टिस्ट है तमीज ही नहीं है तुम्हें एक मिनट में बात कर रहा हूँ ना तो तुम्हें पता ही नहीं है काम कैसे होगा तुम कौन सा आर्टिस्ट हो तो अपना आपको एक तो खुद आर्टिस्ट बोल रहे हो कम से कम पहले आगे परफॉर्मेंस तो दो कि करना क्या है अच्छा बैठो बैठो तुम लोग सीरियसली एक दूसरे से इतने ज्यादा अंदर से भरे हुए हो शायर भाई अब भी हुआ है बिल्कुल नहीं यार मैं आपको बाकी तो छोड़ो दो छोटी छोटी सी प्यारी प्यारी सी बच्चे And they're exactly like my my daughters. daughters. They are आयशा की वो हमेशा देखते हैं उनका पूरा घर देख रहा होता है शो one is six, and I'm sure they're watching it right now. और ऐसे पता नहीं कितने लोग आपके शो को देखते हैं अफसोस की बात यह है कि अगर हम इस तरह से करेंगे तो वॉट मैसेज आर बी गिविंग तो नो नो देशन जब आपको थोड़ा कंट्रोल करना पड़ता है अपने आप को मारना पड़ता है अपने आप को सोचना पड़ता है बिकॉज आपके एक्शन से कोई दूसरा मुतासर होता है ये करना पड़ता है तुम लोग तो यार यंग हो तुम तो मेरी उम्र के भी नहीं हो यार तुम्हारे पास तो अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं। आज तुम्हारे पास सोशल मीडिया खुला हुआ है तुम टिकटॉक की एक वीडियो बनाते हो मिलियंस तुमको देखते हैं मैंने दो सौ रुपये पर काम करना शुरू किया था टू हंड्रेड रुपीज ए डे बॉस बहुत मुश्किल होता है पहला जुमला जो मुझे बोला गया था ना बॉस बोले गए थे तो शाहरुख खान की कॉपी करता है सत्रह साल हो गए मुझे इस इंडस्ट्री में तुम्हें नहीं लगता कि लोगों ने जब मुझ पर तनकीद की होगी तो मुझे तकलीफ हुई होगी बस यहां लगती है इधर बोल बोल के थक जाओ आप मैं सहार लोदी हूं उनको आपका काम नहीं नजर आएगा क्योंकि दे दे वॉन्ट टू सी दे ओनली वॉन्ट टू सी पर मैंने भी सोचा नहीं ना उनका क्रिटिसिज्म, उनकी ये सारी बातें मेरे हौसले से बड़ी नहीं थी आज सत्रह साल भी मैं अपने पैरों पर खड़ा हूं आप जो भी बोलो सायर लोधी सिर्फ एक है और वो मैं हूं दैट्स व इट इज आई डोंट आंसर पीपल बैक लेकिन बॉस ये नहीं होना चाहिए तुम लोगों ने तो आगे बढ़ा बनना है तुम्हें तो मुझसे कहीं ज्यादा टैलेंट है खुदाई कसम जान मैं तुझे देखता हूँ ना मैं ये सोचता हूँ काश मैं तेरी तरह से डांस कर सकता यार मैं अली को देखता हूँ मैं कभी कभी सोचता हूँ काश मैं तेरी तरह से हो सकता मैं फरदिन तुझे देखता हूँ मैं कभी यह सोचता हूँ यार अल्लाई ने मुझे ये टैलेंट दिया कि मैं ऐसा गा सकूँ मैं तुम्हें देखता हूँ शिशु परेशान हो जाता हूँ कितना टैलेंट तुझे दिया यार तुम लोग तो कमाल हो मैं जब नबिया को देखता हूं तो मैं कहता हूं कोई तो मेरे जैसा भी है बार इशारे कर रही मुझे कि मेरा नाम तो ले तो मैंने बोला मैं तुम और मैं दोनों एक ही जैसे दोनों उर्दू साइंस कॉलेज के हम सिर्फ पीछे से शोर मचाने वालों में से ओए कर कर दिया दिया वो चलो गले मिलो यार गले मिलो बस हो गया फरदीन चल बेटा चल गले मिल चल सब सही है अब अपनी वाइब सही कर ले मुस्कुरा दे सर गले, गले 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 मिल गले 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 मिल क्या हो गया? कम गले मिल, गले मिल। कोई, बात नहीं ना, कोई बात नहीं लग जाते हैं तो इसके भी लग गया नाखून दोनों, दोनों को दोनों इधर आओ तुम भी इधर आओ इधर आओ इधर 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 आओ इधर चल गले मिल गले मिल गले 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 मिल अरे हा ना चल गले ले अब सही से सही से सही से सही से एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें